और भाई यार, हमारा यूनिवर्स ऐसे ऐसे रहस्यों से भरा है जिन्हें एक साथ बताना शायद नामुमकिन ही होगा। आज ऐसा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह हमें न केवल लाइफ के एवोल्यूशन बल्कि यूनिवर्स के एवोल्यूशन या कहें यूनिवर्स में लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में जानने में भी मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक लाइफ फॉर्म इवॉल्व होते होते इतनी एडवांस हो जाती है कि वो न केवल अपनी लिविंग सराउंडिंग बल्कि वो सब करने में सक्षम हो जाती है जो उसके डेवलपमेंट, एडवांसमेंट और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और जिसे पूरा करने के लिए वो इतनी एडवांस हो जाए कि उनके लिए नामुमकिन कुछ ना हो, ना ही एनर्जी, ना ही मैटर। दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग, देयर एनवायरमेंट, देयर वेदर, या कहें उनका अपना प्लैनेट, उनका सोलर सिस्टम, उनकी गैलेक्सी, स्टार्स और यहाँ तक कि इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल। दे कैन मेंड विद द लॉज ऑफ साइंस, मे बी टाइम ट्रैवल ऑल्सो, जो हमारे लिए अभी केवल मूवीज में ही पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम ट्रैवल मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता है। आपको क्या लगता है कि समय में पीछे या आगे जाना कभी संभव हो पाएगा? आप इसके बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके हम सबको बताएं। काफी समय से मैंने इस टॉपिक पे स्टडी किया तो मुझे अलग अलग थ्योरी जानने को मिली। उन्हीं में से एक जो हिस्ट्री चैनल में एंशियंट एलियन सीरीज में ही बताया गया है कि अर्थ में लाइफ इवॉल्व होने के पीछे ऐसे ही किसी अल्ट्रा एडवांस जनरेशन का योगदान रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इंसान जिसे समझ नहीं पाता वो उसके लिए चमत्कार हो जाता है, और यही चमत्कार किससे कहानियाँ कब बन जाता है पता ही नहीं लगता। पर एक प्रश्न हमेशा रह जाता है कि इन चमत्कारों के पीछे आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे इंसान अब तक समझ नहीं सका, या फिर कुछ और, समथिंग सुपरनेचुरल। अगर आप भी अर्थ की एवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में जानते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि अर्थ में सब कुछ काफी प्लान वे में हुआ? प्लैनेट का बनना, उससे कोई दूसरा प्लैनेट या किसी मैसिव एस्ट्रॉइड का टकराना, अर्थ का गर्म होना फिर ठंडा होना, एटमॉस्फेयर का बनना, लाइफ की शुरुआत, देन डायनासोर, द एक्सट्रीम प्रेडेटर्स, जिसके साथ ह्यूमन का इवॉल्व होना और बाकी सभी एनिमल से सुपीरियर होना नामुमकिन ही लगता है, और अचानक उल्कापिंड की बरसात एंड द एंड ऑफ दीज प्रेडेटर्स। और फिर रीजनरेशन ऑफ लाइफ, और अब इवोल्यूशन होना हम होमो सेपियंस पर। ऐसे कई प्रश्न और उत्तर मेरे मन में घूमते रहते हैं। चलिए हम चलते हैं सीधा आज के टॉपिक पे, द कार्डिसेव स्केल। अब ये क्या है? जेनरेशन एक्स, जेनरेशन वाई और जेनरेशन जी तक तो ठीक था, पर ये कार्डिसेव स्केल क्या है? आई बेट यू बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हे देयर कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स, ये तो आप में से कई लोगों ने सोचा और पढ़ा होगा कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये यूनिवर्स कैसे और किस जनरेशन में इवॉल्व हुआ। तो चलिए कॉस्मिक टाइमलाइन के इस बेहद अद्भुत सफर पर चलते हैं, पर इसके लिए हमें कार्डिसेव स्केल के बारे में थोड़ा समझना होगा। कार्डिसेव स्केल रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डिसेव द्वारा 1964 में प्रपोज की गई, और इसमें सिविलाइजेशन को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनकी एनर्जी कंजप्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया। इसमें बताया गया है कि कैसे इन जनरेशन का सफर प्लैनेटरी एनर्जी जैसे हाइड्रो, विंड, सोलर और थर्मल पावर एंड एटसेट्रा को यूज करने से लेकर पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज और कंट्रोल करने, और उससे भी कई आगे तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कार्डिसेव स्केल सिविलाइजेशन को उनकी एनर्जी कंजप्शन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस में मेनली तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट करती है, पर इसमें भी टोटल 7 सेक्शंस में सिविलाइजेशन को डिवाइड किया है, 0 to 7। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइप 0 सिविलाइजेशन से, जिसे सब ग्लोबल कल्चर भी कहते हैं। ये सिविलाइजेशन केवल अपने होम प्लेनेट की एनर्जी और रिसोर्सेज का यूज कर सकती है, लेकिन नॉट अप टू इट्स फुल पोटेंशियल। प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कार्डिसेव स्केल में लगभग 0.73 तक ही पहुंच पाए हैं, और हमें सिविलाइजेशन के लेवल 1 में पहुंचने में लगभग 100 साल लग जाएंगे। लेवल 1 सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज प्लेनेटरी कंट्रोलर्स, ये अपने होम प्लेनेट की 100% एनर्जी और रिसोर्सेज को हार्नेस और यूज करने में सक्षम होते हैं। अगर हम लेवल 1 बन जाते हैं तो हम अर्थ को पूरा कंट्रोल कर सकेंगे, चाहे बात वेदर की हो, एनवायरनमेंट की हो, या चाहे वॉल्केनिक इरप्शन या सिस्मिक एक्टिविटी, हम सब कुछ पूरी तरह कंट्रोल कर सकेंगे। जियोलॉजिकल मेकअप, फ्लोरा या फौना, सब हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद आती है लेवल 2
द स्टेलर मास्टर्स, दे कैन हार्नेस द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्स फॉर देयर नीड, जिसके लिए ये स्पेस में भी मेगा स्ट्रक्चर बनाने में केपेबल होते हैं, जैसे डायसन स्फीयर, जिससे सूरज की सारी एनर्जी कैप्चर और यूज कर सके। ये सिविलाइजेशन अब इतनी एडवांस हो गई है कि ये किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म और पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर सके। इसके बाद आते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन, गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स। ये पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलोनाइज कर सकते हैं। गैलेक्सी में डिफरेंट प्लेनेट को टेराफॉर्म कर सकते हैं और गैलेक्सी में प्रेजेंट सारे स्टार की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ऐसी सिविलाइजेशन प्लेनेट को बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे यूज करते हैं और ये पूरे प्लेनेट को ही एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में शिफ्ट करने पे भी सक्षम होते हैं और यहाँ तक कि ये अपना खुद का स्टार भी बना सकते हैं। अब करेंगे हम बात सुप्रीम्स की, लेवल 4 टू लेवल 7। लेवल 4 सिविलाइजेशन, इनके लिए यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ प्लेग्राउंड। ये पूरी यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं और पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, ये स्पेस टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल इनके लिए मुमकिन है। और इसके बाद शुरू होती है मल्टीवर्स की, ऐसी सिविलाइजेशंस जो इतनी एडवांस है कि वो मल्टीपल यूनिवर्स की एनर्जी अपने लिए यूज कर सकती हैं। इसी के साथ स्वागत है आपका मेटाफिजिक्स में, और यहाँ आने के लिए अपने कॉमन सेंस को दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो होता है ये हमारी समझ से परे है। लेवल 5 सिविलाइजेशन, जो न केवल हमारा यूनिवर्स बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स पे हो सकते हैं और ये रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक थैनोस और दोज इन्फिनिटी स्टोन। ये टाइम एंड स्पेस, फिजिक्स, ब्लैक होल, इन सबसे बड़े हैं। दे कैन डू एनीथिंग। अब बचे हैं कार्डिसेव स्केल के दो सबसे एडवांस लेवल, टाइप 6 और टाइप 7। टाइप 6 सिविलाइजेशन एक मेगावर्स में एग्जिस्ट करती है और उसके फंडामेंटल लॉस को क्रिएट और मेंटेन कर सकती है। मेगावर्स एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मल्टीवर्स का कलेक्शन है, जिसमें हर मल्टीवर्स में डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स और डायमेंशन होते हैं। टाइप 6 सिविलाइजेशन इन मल्टीवर्स को एक्सप्लोर, मैनिपुलेट और क्रिएट कर सकते हैं। ये सिविलाइजेशन पैरावर्सल भी कही जाती है, क्योंकि ये 11D स्पेस टाइम कंटिन्यूम के इनफाइनाइट पैरेलल्स में एग्जिस्ट करती है, जिसमें इनफाइनाइट इंस्टेंसेस और पास्ट और फ्यूचर होते हैं। टाइप 6 सिविलाइजेशन को हम लिटरल गॉड मान सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, जब तक कि कोई टाइप 7 से ऊपर की सिविलाइजेशन इनके साथ कॉम्बैट ना करे। और इन सभी से एडवांस और पावरफुल सिविलाइजेशन है टाइप 7। टाइप 7 सिविलाइजेशन सबसे हाईएस्ट लेवल है कार्डिसेव स्केल। ये सिविलाइजेशन एक पूरे ओमनिवर्स की एनर्जी हार्नेस कर सकती है। ओमनिवर्स हर एक यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मेगावर्स, पैरावर्स, 11D डायमेंशन और फर्स्ट रियल रियलिटी का कलेक्शन है। ओमनिवर्स में सब कुछ है और सिर्फ एक ही ओमनिवर्स है। ऐसी पावर शायद एक इंडिविजुअल के ही पास हो, ना कि एक सिविलाइजेशन के पास, एक सिंगल माइंड में जो हर थॉट और हर टाइमलाइन को इनकम्पास करती है। ये माइंड ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसेंट होती है। ये क्रिएटर हैं, एक गॉड अबव ऑल गॉड, जो सारी एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थे ऑल द टाइप ऑफ सिविलाइजेशन कार्डिसेव स्केल के बेसिस पे, और ये थे ऑल द टाइप ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।